पॉलिनेशन क्या है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन हमने पढ़ा था ना कि एंथर्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना यही कहलाता है पॉलिनेशन ओके okay, क्या कहलाता है कि एंथर से स्टिग्मा एंथर हो गया आपका मेल पार्ट और स्टिग्मा हो गया आपका फीमेल पार्ट एंथर से स्टिग्मा तक ग्रेन का पहुंचना कहलाता है पोलिनेशन राइट दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन ये जो है सीड के फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसका पहला स्टेप है पहला स्टेप क्या है कि एंथर से पोलिन्रेन निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच गए राइट right? ये पहला स्टेप हो गया द मेल प्रेजेंट इन एंथर हम सभी जानते हैं

तो हमने पोलिनेशन में क्या पढ़ लिया कि पोलिनेशन जो होता है उसमें मेनली होता है क्या है कि पोलन जो है, वो एंथर से स्टिग्मा तक तो पहुंचते हैं अब ये पहुंचतेशन जो होता है वो दो तरह का होता है एक तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया आपका क्रोस पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है दो टाइप सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रोस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है आर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम सैम्फ्ला एक फ्लार है कंप्लीट फ्लार है इसके अंदर आपको एंथर भी दिखाई दे रहा है और आपको स्टिग्मा भी दिखाई दे रहा है यानी कि मेल पार्ट भी दिखाई दे रहा है एंड फीमेल पार्ट भी दिखाई दे रहा है इसी मेल पार्ट का एंथर यानी एंथर से ग्रेन निकल करके इसी फ्लार के यानी उसी फ्लार के स्टिग्मा तक तो पहुंच जाए इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन राइट क्या कहा आपने ये आप देखिए आप देख रहे हैं ये आपको एक फ्लॉर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको ये वाला एंथर वाला पार्ट है ठीक है एंथर में से यहाँ से पोलन ग्रेन निकला और इसी के स्टिग्मा पर यानी इसी इसी के में, इसी के में फीमेल पार्ट में पिस्टिल में आपको पहुंच गया ये कहलाता है आपका सेल्फ पोलिनेशन ओके आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी चलो पीछे सेकेंड है आपका क्रॉस पोलिनेशन इन क्रॉस पोलिनेशन द दोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लॉर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लॉर ऑफ द सेम काइंड क्रॉस में होता क्या है कि कि एक ही काइंड का यानी अगर आपका रोज का फ्लार है ये इधर भी रोज है और इधर भी रोज है इसके एंथर से पोलनग्रेन निकला और इसके स्टिग्मा में ना जाकर के इस फ्लार के स्टिग्मा में गया इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन राइट अब ये जो फ्लॉर हो सकता है ये फ्लार आपका बैस, बैस, फ्लार भी हो सकता है और फ्लार भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 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 ये ये फ्लार ही होगा। तो ही इसके क्योंकि यूनिसेक् फ्लॉर में ऐसा होता है कि फ्लार के पास सिर्फ एक ही पार्ट होता है ना या तो फीमेल पार्ट हो गया या मेल पार्ट होगा ऐसा नहीं है बल्कि जो बाइसेक्शुअल फ्लार भी होते हैं उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है ओके क्रॉस पोलिनेशन में मेनली हुआ क्या कि सेम काइंड के फ्लावर है ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि जो रोज का रोज का पोलन ग्रेन है वो सनफ्लावर में चला गया सनफ्लावर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो है वो वो अपने स्टिग्मा से ओवरी तक उसने पहुंचने दे दिया ऐसा नहीं है पहुंचेगा क्योंकि पोलन ग्रेन तो जाहिर सी बात है हवा के जरिए से भी पहुंच सकते हैं है ना बहुत लाइट होते हैं तो वो आराम से कहीं किसी भी फ्लार पे जा सकते हैं। लेकिन फ्लार जो है तो वो रोज का पॉलन एक, नहीं करेगा बल्कि उसको छोड़ देगा मतलब वो वेस्ट हो जाएगा राइट सिर्फ और सिर्फ रोज पॉलिनेशन उसी वक्त होगा जब एक ही तरह के फ्लार होंगे और इसका अ, मतलब उसी फ्लार का ग्रेन उसी सेम ही फ्लार के स्टिग्मा तक पहुंच जाए इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन राइट चलिए आगे देखिए इसमें भी देखिए आपका इस ये एक ही टाइप के दोनों फ्लार हैं और इसका जो एंथर है यहाँ से ग्रेन निकला और ये आपका इंसेक्ट ने इसको यहाँ पहुंचा दिया ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब ये सोचने वाली बात है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ये आपके Uh, कैसे पहुंचेंगे है ना आगे हम इसको भी देखते हैं कि ग्रेन जो है वो आपके एक क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में तो कोई ना कोई मीडियम होना जरूरी है ना कि जिसके जरिए से ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाए अब आगे हम इसको पढ़ेंगे अच्छा आगे पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी है इसे हम जल्दी से कवर कर लेते हैं इस एक्टिविटी में आपको एक फ्लावर का जो है आपको फ्लावर लेना है और उसके अंदर से उसकी सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है देखना है कि उसके अंदर ओव्यूल है उसके अंदर ओवरीज है उसके अंदर स्टेमिन है उसके अंदर पिस्टल वाला पार्ट है राइट तो आपको एक फ्लावर लेना है इसके अंदर आपको क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत होगी एक फ्लावर हो गया एक ही बिस्किस का फ्लावर ले लीजिए उसके अंदर सब चीजें जो होती है वो बहुत ही क्लियर होती हैं आपको हर चीज यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपको दिखेगा आपको हर चीज क्लियर दिखेगी ले स्काली छुरी ले लिए ग्लास स्लाइड लेनी है आपको और एक ऐसे ब्लेड लेना है मतलब तो तो एक ब्लेड लेना है जिससे कि आप ओवरी को लोंगी काट सके है ना ओवरी जो है जैसे कि आपको ये लोंगी दिख रहा है ना आपको ऐसे ऐसे एस काटा है आपको जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में से उसको काट देना है लौंग ताकि आपको जो है अंदर का जो पार्ट है वो आपको क्लियरली दिखाई दिखाए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो फ्लार है हिबिस्कस का फ्लार है उसके पहले सारे पेटल्स आप हटा दीजिए उनको तोड़ दीजिए और उसके बाद जो है उसको ग्लास लाइट पर रख दीजिए अब उसके अंदर से जो पेटल्स आपने हटा लिया उसकी पंगुड़िया हटा दी है ना उसके अंदर स्टेमन बचेगा स्टिल बचेगा तो स्टेमन को आप हटा स्टेमन को भी निकाल दीजिए इनका एक स्टेमन तो आप दे, आपने देख ही लिया होगा कि स्टेमन कैसा होता है स्टेमन को निकाल दीजिए और पिस्टल को भी वहां से उससे फ्लास्क से सेपरेट कर दीजिए अब उसके बाद जो है उसमें ये देखे कि कितने टाइप के स्टेम उसमें यानी कितने स्टेम जो है वो कैसे हैं किस तरह के लग रहे हैं कोई कोईमन थोड़ा सा बड़ा होगा कोई छोटा होगा ठीक है आप उसके अंदर के एंथर भी देख सकते हैं सब चीज क्लियरली दिख जाएगा उसके बाद आपको मेनली जो ये तो आपने को देख लिया फिर आपको पिस्टिल को देखना पार्ट है इसको आप ऐसे लोंगे काट दीजिए इसको ठीक है और जब उसको काट देंगे तो आपको अंदर से आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक है आपको इस तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा और जो आप आपके टीचर्स की मदद से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं और आप इसके अंदर अगर आपको दी गया तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए उसको लिखिए है ना उसको अपने पास बहुत सारे लोग जो हैं उसको फाइल बना करके अपने पास भी रखते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बहुत मजा आएगा आपको करने में ऐसे ठीक है तो मेनली इस एक्टिविटी में आपको क्या था कि आपको खुद जाकर के एक फ्लार को लेना था और उस फ्लार के अंदर से आपको एक एक पार्ट खुद ही देखना था एम राइट चलिए आगे चलते हैं

एक ही तरह के फ्लॉर में एक ही तरह का फ्लार होना चाहिए अगर आप, रो आप रोज अगर आप रोज की बात कर रहे हैं तो दोनों फ्लॉवर रोज ही होने चाहिए अगर आप सनफ्लावर की बात करें तो दोनों फ्लार सनफ्लावर ही होने चाहिए यानी कि एक सनफ्लावर का स्टिग्मा के एक सनफ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर के दूसरे सनफ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन अब ये कैसे पहुंचेंगे क्रॉस पोलिनेशन तो इसके कुछ एजेंट्स होते हैं

एक पोलन ग्रेन के यानी एक फ्लार के एंथर से पोलन ग्रेन को उड़ाया और उसके बाद दूसरे फ्लार के यानी उसी सेम काइंड के फ्लार के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया है ना उड़ाते हुए ले गई और उसके बाद उसको वहां गिरा दिया ओके सर्च फ्लार्स आर स्मॉल नॉट ब्राइटली एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर ऐसे फ्लार्स जिन फ्लार्स में विंड के जरिए से पॉलिनेशन होता है तो वो वैसे फ्लार होते हैं जो कि छोटे होते हैं और उनके जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर के नहीं होते यानी कि वो फ्लॉर जो होते हैं ज्यादा अट्रेक्टिव नहीं होते आपको मतलब आप जैसे आ, रोज का फ्लार हो गया या सनफ्लावर हो गया ठीक है हिबिस्कस हो गया ये आपको ना दूर से ही दिखाई देगा क्योंकि इनके जो पेटल्स होती हैं ये बहुत ही ब्राइट कलर के होती हैं बहुत अट्रैक्टिव होती हैं तो ये दूरी से दिखते हैं तो ऐसे फ्लावर पे जो अट्रैक्टिव फ्लार होंगे तो उनप इंसेक्ट ज्यादा उनपे अट्रैक्ट होंगे उनसे और उनके उनके पोलिन्रेन को दूसरे फ्लावर तक लेकर के जाएंगे अच्छा हम इसको आगे पढ़ेंगे ठीक है तो जो विंड यानी विंड के जरिए से जिन पोलिनेशन होता है तो विज फ्लॉर्स में होते हैं जो फ्लार जो होते हैं ना तो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते नेक्टर क्या होता है नेक्ट नेक्टर जो होता है ये कहलाता है फूलों का रस यानी ए स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लास यानी एस एक स्वीट लिक्विड होता है जो फ्लास के जरिए से प्रोड्यूस होता है पोलन ट्रीज आर वेरी लाइट एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर सो दे आर इजीली ब्लोन अवे बाय द विंड जो पोलन ट्रीज होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं बहुत हल्के होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं और इसी वजह से वो आराम से विंड के जरिए से उड़ते हुए चले जाते हैं दिस ट्रैफिक जो पॉलिनेशन होता है वो वीट में होगा आपका गेहूं में राइस में मक्के जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ऐसा इस टाइप का पॉलिनेशन होता है ओके अब हो गया हम दूसरा जेंड था वो था वाटर वाटर In aquatic plants such as sea grass and तो, तो पोलिंग उड़ करके चले गए या फिर ये वहां पे क्या कहते हैं ऐसा नहीं है तो इक्वेटिक जो प्लांट होते हैं वो अपने पोलिंग वाटर में रिलीज कर देते हैं और वाटर जो है उनके बहाते हुए लेकर के

वाटर के जो करंट होता है वाटर की जो धारा होती है पानी की धारा होती है ना तो, तो उनके जरिए से स्लोली स्लोली उस दूसरे उन्हीं के काइंड के जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लॉट तक वो चले जाते हैं राइट तो हमने दो एजेंट्स पढ़ लिए एक तो विंड यानी हवा जो है वो उड़ा के ले करके चली गई और वाटर वो उसको बहा करके यानी पोलन ग्रेन को बहा करके वहां तक लेकर के चला गया तीसरा है आपका इंसेक्ट ठीक है यानी कीड़े मकोड़े

पे, अभी उनके, पे, उनके पंखों पे उनकी बॉडी पे है न उनकी जो जिस वो डे वो चूस रहे हैं उनको है ना मतलब जो उनके माउथ होता है उससे जिससे वो सक कर रहे हैं तो वहां जाके चिपक जाते हैं ठीक है अब क्या क्या जो इंसेक्ट है उन्होंने उसको सक कर लिया नेक्टर को अब उसके बाद वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे दूसरे फ्लावर से भी नेक्टर को क्या कहते हैं वहां से वहां से भी सक करने के लिए जाएंगे व्हेन दी इस इंसेक्ट विजिट अनदर फ्लावर द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा जब ये इंसेक्ट जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर को मतलब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर को वो करने के लिए सक करने के लिए तो वो वहां पे पोलग्र को गिरा देते हैं यानी उनकी बॉडी से वो गिर जाते हैं और वो गिर करके उनकी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं इंसेक्टेड पोलिनेटेड इंसेक्ट पोलिनेटेड यूजुअली हैव अ स्वीट स्मेल ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड आर रिच इन नेक्टर फॉर एग्जाम्पल रोजार एंडक्ट जो होते हैं वो ऐसे ही फ्लावर को पोलिनेट करते हैं जिनकी स्मेल काफी स्वीट होती है यानी जो खुशबूदार फूल होते हैं जिनके पेटल्स जो होते हैं वो काफी ब्राइट होते हैं यानी कि जैसे कि आपको रोज का हो गया है ना जो गुलाब का फूल होता है या सनफ्लावर जो होता है ये जो होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं इनके पेटल जो होते तो हैं इनके पंखड़ियाँ होती है वो काफी खूबसूरत होती हैं ठीक है और इनमें बहुत अच्छी स्मेल भी आती है और सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है नेक्टर यानी इनके अंदर जो इनका रस होता है ये बहुत ज्यादा होता है राइट और को क्या चाहिए इंसेक्ट को तो चाहिए ना उनको से कोई मतलब नहीं है बस ये इस्तेमाल ले के जाना है एजेंट के लिए तो जो इंसेक यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इंसेक्ट उन्ही फ्लावर्स को पोलिनेट करते हैं जो जिनमें स्वीट स्मेल होती है, पेटल होते है। ठीक है बाय नॉक्टर्नल उस टाइम मैंने आपको ये बात पूछी थी और आपसे शायद मैंने क्वेश्चन भी पूछा था की जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो इतने ब्राइटली कलर्ड क्यू होते हैं ठीक है मतलब उनके जो पत्तियां होती हैं वो इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं तो जो उनकी पत्तियां का जो मेन रीजन है ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए होती हैं कि आपको बहुत अच्छी लग रही हैं और क्या कहते हैं आप उनको देख करके खुश हो रहे हैं ऐसा नहीं है बल्कि जो फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो इतनी जो ब्राइटली कलर्ड होती हैं इतनी खूबसूरत जो होती हैं वो सिर्फ वो सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं ताकि इंसेक्ट उनके पास अट्रैक्ट हूं है ना और अट्रैक्ट होकर के वो जब वो अट्रैक्ट होंगे मतलब वो नेक्टर के लिए अट्रैक्ट होंगे तो जब वो नेक्टर के लिए अट्रैक्ट होंगे तो उनके पोलन ग्रेन जो है उनकी बड़ी से चिपक जाएगा वो पोलन ग्रेन जो है बड़ी से चिपक जाएगा फिर जब वो दूसरे फ्लार पे जाएगा वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो वहां पे वो पोलन ग्रेन गिर जाएगा इस तरीके से उनका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो उनका पॉलिनेशन का प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उन फ्लावर्स का जो उनका मेन पर्पस था यानी अपना रिप्रोडक्शन करना ये उनका हो जाएगा राइट right? तो जो फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं ये ब्राइटली कलर इसी वजह से होती हैं और इनमें स्मेल भी बहुत अच्छी होती है ठीक है अब जो कुछ फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो रात के टाइम में होता है जैसे कि जैस्मिन का हो या जो जैस्मिन का फ्लेयर जो फ्लावर जो होता है वो बहुत ही उनके अगर आपने फ्लावर देखे होंगे तो उनके पेटर्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं ना और उन उनप खुशबू बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे फ्लॉर में जो इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम जैसे कि आपको जुगनू हो जुगनू हो 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 गया ठीक है गए बहुत सारे पतंगे जो रात में उड़ते हैं तो यानी वैसे ही इंसेक्ट जो कि रात के टाइम एक्टिव रहते हैं तो वो उनमें पॉलिनेशन करवाते हैं ठीक है और उसका एग्जाम्पल हो गया जेसमिन और कैटन अब एक यहाँ पे फैक्ट फाइल अच्छा यहाँ पे आप इसमें देखिए ये जो एक इंसेक्ट वो पॉलिनेट कर रहा है फ्लावर को और मेनली तो ये अपना कर रहा है और उसके बाद इसकी में रख जाएगा फिर जब दूसरे को ये विजिट करेगा तो गिर जाएगा और में इस, इस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाए अब यहाँ पे एक फैक्ट फाइल है तो इस फाइल में देखियेड फ्लावर कुछ बर्ड्स जैसे कि सनबर्ड्स हो गए और हमिंग बर्ड होती हैं तो इनकी जो बीक्स होती हैं जो इनकी चोंच होती है वो काफी एक तो छोटी होती है ऐसा नहीं स्मॉल भी होती है बहुत सारी जो हमिंग बर्ड्स होती हैं इनकी बीक चोंटी वो काफी लंबी होती है राइट काफी आप इनकी एटलीस्ट मेरे ख्याल से मैंने इनको उसमें देखा है मतलब आप वीडियोस वगैरह में देखें तो इनकी जो बीज होती हैं बहुत सारी हमिंग बर्ड्स की वो दो इंच के बराबर तो मुझे लग है, होती, है, सी होती है तो ये फ्लावर को पॉलीनेट करने के लिए बहुत मतलब ये फ्लावर को पोलीनेट करते हैं ये, ये तो मेनली अपना नेक्टर ही सब करते हैं कुछ मैमल जैसे हो की तरह ही होते हैं तो ये भी फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं राइट क्योंकि तो इनको भी नेक्टर चाहिए होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए इसकी जो बीक है ये आप देखिए इस हमिंग बर्ड की जो बीक है काफी लंबी सी है है ना और काफी नेरो है ये तो अपना यहाँ पे नेक्टर को कैसे देख रहे देख रहे हैं कि कैसे नेक्टर को जो है ये सक कर रही है हमिंग बर्ड तो ये इस तरीके से भी अपना पॉलिनेट कर सकती है, है ना ये मतलब इसको तो अपना जो चाहिए होता हो वो तो मिल गया और ये अपना इससे फ्लावर का पॉलिनेशन भी हो जाएगा ओके चल तो आज की वीडियो यहीं तक आज हम लोगों ने पॉलिनेशन वाला पार्ट वो कंप्लीट कर लिया आगे हमारा है फर्टिलाइजेशन ओके तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो, जो सेवेंथ क्लास में जरूर शेयर कीजिए तो ठीक है अस्सलाम वालेकुम और हाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे थे लेकिन देखिए कॉन्टेक्ट नंबर तो किसी को नहीं दिया जाता है ओके okay, आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका मोस्ट वेलकम बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछिए और मैं उनका जरूर जवाब दूंगी और इनशाला पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका जवाब दूं तो मिलते हैं अगली वीडियो में असला